अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक विद अदर वीडियो। और गाइस आज की वीडियो होने वाली है रियल मी 9C के रिव्यू भी होगा, सब होगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेगा। रिव्यू प्लस हैंड कैम मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाई थी, वरना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, तो अनबॉक्सिंग भी काफ़ी छोटी है। एक दफ़ा खोल चुका था, आप लोगों के लिए सेटअप भी कर चुका था, तो बस सिर्फ आप लोग को ऐसे दिखाया है। सो यहाँ पे अपना रियलमी फ़ोन आ चुका है, इसके साथ हेडफोन्स नहीं आए, बहुत बुरा हुआ ये मेरे साथ, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ख़रीद लिए। और यहाँ पे ये आए हैं USB केबल और साथ में चार्जर। मजाक कर रहा हूँ गाइस, हेडफोन्स आए हैं लेकिन वो मैंने निकाल लिए हैं, अलग से रखे हैं निकाल के। और यहाँ पे फ़ोन फुल सेटअप कर चुका था मैं, हर चीज़ डाउनलोड कर ली थी, पबजी भी डाउनलोड हो चुका है। तो लेट्स चेक कभी के कैसी परफॉर्मेंस होती है पबजी में, कोई इतनी अच्छी नहीं है वैसे परफॉर्मेंस पबजी के हिसाब से। बस पबजी में स्मूथ अल्ट्रा चल रहा है तो इसमें ही काफ़ी है हम, वैसे अच्छी है ये भी नहीं है और क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो अब मैंने पबजी डाउनलोड कर ली थी इसके अंदर, तो अब सब हो गया था। तो हम लेट्स चेक पबजी गाइस। पीछे मेरे पाँव को इग्नोर करेगा क्योंकि हैंड कैम बनाने के लिए मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, तो मैं अपना एक कैमरा है ना जो उसके साथ मेरी एक बेल्ट है जो मतलब चेस्ट पे पहन ली जाती है, तो वो पहन के मैं ऐसे हैंड कैम बनाता हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड। और यहाँ पे थोड़ा बहुत लैग फील हुआ मुझे, लेकिन 20,000 के प्राइस के हिसाब से बहुत आला फ़ोन है, क्योंकि इतनी प्राइस के अंदर इतनी गेमिंग देना तो सही है भाई, और क्या चाहिए, जान लेनी है क्या, जान लेनी है। अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा चाहिए तो आप ले सकते हो, और बहुत सारे कंपनीज़ के फ़ोन आते हैं, आप देखो सर्च करो और ले लो, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से मैंने ये लिया है तो अच्छा तो है ये, मैं इसकी कोई तारीफ़ें नहीं करूँगा फजूल की, लेकिन बस सही है। कंट्रोल्स ठीक कर लेते हैं अपने थोड़े से, और मैंने आपको बताया ये देता है स्मूथ हाई तक, देता है स्मूथ हाई तक, ठीक है, तो इतनी प्राइस के अंदर यही देते हैं, अल्ट्रा नहीं देता ये, मुझे लगा था अल्ट्रा देता है लेकिन ये अल्ट्रा नहीं देता। यहाँ पे हम अपनी चीज़ें उठा लेते हैं, थोड़ा सा ना मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि ना जब वो मैंने जो कैमरा पहना हुआ था ना उससे मुझे बड़ी खुजली होती है, तभी मुझसे ना सही बहुत जल्दी जल्दी में रहता हूँ मैं। और यहाँ पे गलती से M7 उठा ली हमने, चलो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा मेरी से गलती है कि मैं फुल हैंड कैम आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, दिख रहा है ना गाइस, बस ठीक हो गया कि ऐसी लग रहा है, शुगर मेरा लगाए रखो करोड़पति हो जाओगे। मतलब देखो आप देखो कि लैग इतना कोई फील नहीं हो रहा इस क्वालिटी के हिसाब से, तो सही है भाई, और क्या चाहिए। ग्रोज़ा का भी दिखाते हैं आपको, हर गन का करके दिखाऊंगा, हर गन नहीं मतलब ऑलमोस्ट जो फेमस गन्स हैं सबका करके दिखाए, जैसे M4 का भी करते हैं, और ओम भी काफ़ी अच्छी चल रही थी इस पर। गाइस रिकॉइल अगर आपको रिकॉइल लगे, रिकॉइल बहुत है तो समझ जाना, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे इस फ़ोन पर सेंसिटिविटी बिल्कुल हिली हुई है, मतलब ये मेरी ओरिजिनल ID है जिससे मैं खेलता हूँ। अब मेरी तो सेंसिटिविटी iPad में है ना, अब यहाँ पे जब मैंने किया ना तो मैंने सेंसिटिविटी थोड़ी सी हिला दी गलती से, उंगलियाँ लग गई, अब मुझे याद नहीं था, तो मैंने कहा कौन सा इस पर रोज़ खेलना होगा, जब खेलना होगा तो सेंसिटिविटी कर लेंगे, तो अभी सेंसिटिविटी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो कोई इतनी परफेक्ट सेंसिटिविटी नहीं है, तभी थोड़ा बहुत रिकॉइल भी है इसका, खैर मीडियम पे सेंसिटिविटी, हम तो हाई पे कस्टमाइज़ करते हैं ना, तो वो अभी कुछ ऐसा है नहीं। सो यहाँ पे अपनी M4 उठा लेते हैं, और ओम भी उठा लिए मैंने टेस्ट करने के लिए, तो मैंने कहा चलो देखता हूँ यार M4 का स्प्रे कैसा चलता है इस पर, और ओम के एटेक्स के पट पट के कैसे लगते हैं। हमने कुछ चीज़ें वीज़ें उठाई नहीं, कुछ भी नहीं उठाया, सीधा गए, क्योंकि अगर कॉम्पो वम्पो लगाएंगे तो रिकॉल थोड़ा सा कम और हो जाएगा, ओरिजिनल देखना था मुझे रिकॉल, तो मैंने कुछ नहीं लगाया, पहले M4 निकालते हैं और रिकॉइल देखते हैं। तो रिकॉइल नॉर्मल है, अगर आपको कंट्रोल करना आता है तो आपके लिए ठीक है, अगर नहीं आता फिर तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा रिकॉइल। और यहाँ पे अब हम अपने ओम के पटके देते हैं, पट से हेडशॉट मारते हैं ओम का, पट से हेडशॉट, और यहाँ पे एक और पट से हेडशॉट, ये भी देखो पट से हेडशॉट, सही था गाइस सही था बिल्कुल। और यहाँ पे एक और गिराया, और मतलब स्नाइपिंग भी बिल्कुल परफेक्ट हो रही थी, स्नाइपिंग में भी कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, तो अगर इसके अंदर स्नाइपिंग करना कुछ आसान है, स्प्रे देना थोड़ा सा मुश्किल है, और क्लोज फाइट भी लेना मुश्किल है इस फ़ोन में, क्योंकि यार थोड़ा बहुत तो क्लोज में लैग हो जाता है इसका, पिन हाई हो तो फिर तो आप नहीं खेल सकते इस पर,
आपका 20 MAH सोनी चाहिए इस फोन पे खेलने के लिए। यहाँ पे आप एटेक्स के पटके देखो, मेरे घटिया घटिया शॉट्स मेरे एटेक्स के। और यहाँ पे गाइस ये देखो, ये पट से हेड शॉट बाबा जी क्लोज में शॉट मार रहे हैं, मजाक हो रहा है क्या, मजाक हो रही है क्या। तो गाइस मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कोई स्पॉन्सर रिव्यू के लिए भेजा उन्होंने मेरे पास, मैं कौन सा इतना बड़ा यूट्यूबर हो गया हूँ मुझे रिव्यू के लिए भेजेंगे वो लोग। ये सिंपल मैंने बाय किया था, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाया जाए इसकी अनबॉक्सिंग और इसका पबजी का गेम प्ले कैसा है, तो मैंने कहा आप लोग को दिखाया जाए। सो गाइज थैंक यू गाइज, और क्या कहते हैं, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, दिल से लव यू पायडो जोकर की पब्लिक। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी इतनी प्राइस में एक फ़ोन लेना है थोड़ा सा बहुत पबजी खेलने के लिए और नॉर्मल, तो आप रियलमी 9 6 ले सकते हो, 16 का क्या था, रियलमी 9C सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल भी चेक कर रहे थे। और तो आप ये फ़ोन ले सकते हो बिल्कुल, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आई लाइक इट। लेकिन अगर थोड़ा सा और चीज़ें दे देते, जैसे इसके अंदर मुझे इन्होंने हेडफोन्स दिए हैं लेकिन गंदी क्वालिटी वाले दिए हैं, इन्होंने मुझे स्टफ़ का वो जो क्या कहते हैं सिलिकॉन वाला कवर होता है ना, वो भी डब बॉक्स के अंदर नहीं आया, और सी केबल भी नहीं थी। और अगर ये फास्ट चार्जिंग भी दे देते तो क्या जाता है इनका, बस पाकिस्तान है यहाँ पे तो सब काटते हैं चीज़ों को, मतलब कम कर देते हैं हर चीज़ को। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई ली वीडियो, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।